बैंक ऑफ इंडिया को स्थापित हुए 116 वर्ष पूर्ण होकर 117 वर्ष में प्रवेश किया गया है, जिसके उपलक्ष्य में पूरे भारत देश में बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में बैंक स्थापना के 117 वर्ष पर प्रत्येक शाखा को 117 लाख रुपए के ऋण बांटने का लक्ष्य भी दिया गया था। खाचरोद बैंक ऑफ इंडिया में भी बैंक स्टाफ में सुबह से ही बैंक स्थापना के 117 वर्ष होने पर उत्सव खुशनुमा माहौल देखने को मिला। बैंक के ग्राहकों को लड्डू व चॉकलेट बांटे गए। शाम को मैनेजर हंसराज मीणा ने बैंक की महिला कर्मचारियों से 117 वर्ष में प्रवेश होने का केक काटा और बैंक के नवीन ग्राहकों और स्टाफ को केक खिलाकर ऋण पत्र भी वितरित किए गए। वहीं बैंक के सबसे पुराने वरिष्ठ कर्मचारियों ने अपने अनुभव भी साझा किए। 117वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। इस 117 स्थापना के दिवस के ऊपर इस ब्रांच का जो बिजनेस है वो 114 करोड़ डिपॉजिट है और 76 करोड़ अग्रिम है, जो कि बहुत सारे गांव में करीब 25-30 गांव पड़ते हैं, उसमें सभी किसान व्यापारी वर्ग सभी को लाभान्वित है। और इसके उपलक्ष्य में आज 117 लाख का ऋण वितरित किया जा रहा है, जिसमें 10,000 का लोन भी हो सकता है और 20 लाख का भी लोन है। टोटली मतलब 117 लाख आपको लोन है? यस, इस ब्रांच की शाखा के द्वारा 117 लाख है। इसलिए हमारी 5,000 से अधिक शाखा है, उसमें सभी ब्रांचेज में आज ऐसा का लक्ष्य है। तो इस तरह से 117 साल होगा तो कर्मचारियों के लिए क्या सौगात बैंक ऑफ इंडिया की रहेगी? कर्मचारियों का तो ध्यान में रखा जाता है, ऐसा कुछ तो है नहीं। बैंक हमारा ध्यान रखी तभी तो बैंक 117 स्थापना दिवस मना रहा है।